राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने 20 मई को 12वीं का ऐतिहासिक रिजल्ट घोषित किया। ऐसा पहली बार हुआ जब राजस्थान बोर्ड में किसी स्टूडेंट को 500 में से 500 नंबर मिले। अलवर के खैरतल की प्राची सोनी ने ये इतिहास रच दिया। प्राची के एक भी नंबर नहीं कटे। साइंस स्ट्रीम से परीक्षा में बैठी प्राची की मार्कशीट देखकर हर कोई दंग है। राजस्थान बोर्ड भले ही टॉपर्स लिस्ट जारी नहीं करता हो, पर प्राची ने साल 2024 में 12वीं में प्रदेश में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने 12वीं आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें सोनी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। खैरतल के बीवी रानी के पास एक रोटिया गांव की एक छात्रा प्राची ने सभी विषयों में 100 में से 100 अंक लाकर हर किसी को चौंका दिया है। अब प्राची के हैरान करने वाली मार्कशीट सामने आई है। प्राची ने रिजल्ट जारी होने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, जी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है ये जान के राजस्थान में टॉप किया है। इसके लिए सबसे ज्यादा जो क्रेडिट जाता है वो मेरे टीचर्स का और मेरे पेरेंट्स का जाता है। उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं सोचने दिया कि मैं नहीं कर सकती, हमेशा ये बोला कि मैं कर सकती हूँ। और मैं भी जैसे पहले टीवी वगैरह में देखती थी कि बच्चे पूरे राजस्थान में टॉप कर रहे हैं, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी कर सकती हूँ। और वहीं से कॉन्फिडेंस आया और रोज़ पढ़ना तो था ही, लेकिन अच्छे मार्गदर्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए मेरे सबसे ज़्यादा क्रेडिट मेरे टीचर्स को जाता है, जिन्होंने मुझे मतलब रोज़ पढ़ाई करने के लिए और हर चीज़ के लिए मोटिवेट किया। और मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही थी, लेकिन मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है 100% लेके। और ये सब कुछ मेरे स्कूल की वजह से और मेरे टीचर्स की वजह से। किस तरीके से तैयारी की, कितने घंटे पढ़ाई करती थी? रोजाना 5 से 6 घंटे तो मैं स्टार्टिंग से करती थी, कंसिस्टेंट थी। और लास्ट में एग्ज़ाम टाइम में तो मतलब ये नहीं देखना पड़ता था कि कितने बज गए कितने नहीं बजे हैं, मतलब जब तक हो सकता था तब तक पढ़ती थी। मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? मेरी मम्मी तो हाउस वाइफ है और मेरे पापा बैंक में वर्क करते हैं। कुछ कहना चाहेंगी क्षेत्रवासियों को, अपने सहपाठियों को, किस तरीके से उनको तैयारी करनी चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप पढ़ाई तो अच्छे से कर सकते हैं। कई बच्चे बोलते हैं कि पढ़ तो रहे हैं लेकिन कुछ अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए अपने टीचर्स की हेल्प लेनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो आपके टीचर्स बोलते हैं ना, उसको मानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक वही चीज़ है जो फॉलो करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मेरे टीचर्स, मेरे एक्सेस अकेडमी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरतल के सारे टीचर्स और उनकी मेहनत का ही परिणाम है। क्या बनना चाहती हैं, क्या तैयार? मैं IAS बनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ मैं अचीव कर पाऊँ। CBSE, UP बोर्ड, MP बोर्ड सहित अन्य बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट्स के 100 में से 100 अंक कई बार आए हैं, लेकिन राजस्थान बोर्ड में पहली बार अलवर की प्राची ने सभी विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। अब प्राची की मार्कशीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, लोग उसकी सराहना भी कर रहे हैं। वहीं एक और प्राची ने पूरे 500 अंक प्राप्त कर प्रदेश में टॉप किया, तो वहीं राजस्थान की एक और बेटी ने बड़ी मुश्किलें झेलकर अपने विषय में अच्छे अंक प्राप्त कर लोगों के लिए मिसाल कायम की। दरअसल सिंघाना कस्बे के माकडू निवासी अनुप्रिया ने 12वीं आर्ट्स में 97.40% मार्क्स प्राप्त किए। अनुप्रिया सरकारी स्कूल की स्टूडेंट है, गांव में स्थित स्कूल में पढ़कर ये मुकाम हासिल किया। अनुप्रिया ने बेहद मुश्किल हालातों में पढ़ाई की, पारिवारिक स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है। पिता की 2 साल पहले जब अनुप्रिया 10वीं बोर्ड का एग्जाम दे रही थी तो पिता का देहांत हो गया। अनुप्रिया के पिता काफी समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। माँ सरकारी स्कूल में कुक हेल्पर का काम करती हैं। बड़ी मुश्किल से बेटी को पढ़ाया। एक बड़ा भाई है जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। अनुप्रिया ने बताया कि वो रोज 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती थी, साथ ही घर के काम में माँ का हाथ बटाती थी। अनुप्रिया ने बताया कि वो आगे जाकर IAS IPS बनना चाहती हैं। अनुप्रिया ने बताया कि उसकी माँ ही घर खर्च चलाती है, 2 भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बार तो किताबें खरीदने तक की दिक्कत आती थी, लेकिन उसकी माँ ने कभी इसकी कमी महसूस नहीं होने दी। अनुप्रिया के मुताबिक उसको यकीन नहीं था कि उसके इतने नंबर आएंगे। इतने नंबर देख कर माँ बहुत खुश हुई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।